सीडीएस विपिन रावत समेत हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वाले 13 लोगों को शुक्रवार को अंतिम विदाई दी गई। शिमला के रिज मैदान पर भी भाजपा जिला युवा मोर्चा ने सीडीएस विपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। जिला शिमला की भाजपा युवा मोर्चा की अध्यक्षा पारुल शर्मा ने कहा कि 2 दिन पूर्व तमिलनाडु में दर्दनाक हादसे के दौरान सीडीएस विपिन रावत समेत 13 लोगों की मौत हो गई। पूरा राष्ट्र इस हादसे के बाद गमगीन है। उन्होंने कहा कि पूरा राष्ट्र आज उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है, जहां भाजपा युवा मोर्चा द्वारा भी उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। 2 दिन पहले तमिलनाडु के कन्नूर में जो भारतीय वायुसेना का विमान हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ, जिसमें देश के तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सीडीएस विपिन रावत जी के साथ साथ 13 अन्य 12 सैनिक वो एक उनकी धर्मपत्नी जो शहीद हुए हैं, उन सबको एक दिल से श्रद्धांजलि देने के लिए शिमला की समुद्र प्रबुद्ध जो जनता है उनके माध्यम से उनकी द्वारा कि किस तरह हम श्रद्धांजलि दे सकते हैं उनके लिए, इसलिए आज ये कार्यक्रम युवा मोर्चा शिमला ने रखा, ताकि आम जनता एक बार अपने जो हमारी तीनों सेना के सेना नायक थे उनको और उन शहीद सैनिकों को सच्ची श्रद्धांजलि दे सके। प्रदेश के सभी 12 जिलों में जिला केंद्र के ऊपर युवा मोर्चा के द्वारा ये श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखे गए हैं, और ये श्रद्धांजलि कार्यक्रम सार्वजनिक जगह में इसलिए रखे ताकि अधिक से अधिक लोग श्रद्धांजलि दे सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।